क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, नियम हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषा क्वेश्चन है, आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है मेरे भाई। वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत देना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन फिर का भी आपको नोट कर लेना है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको तैयार कर लेना है। बाकी के सबका आंसर की बात की जाए तो मेरे भाई प्ले लिस्ट है, आप जाके मेरे ही चैनल पर आप चेक कर सकते हो, या फिर आपको करना क्या है, लिंक से आपके द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा पड़ा है। ठीक है भाई, तो जो मैं आज क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे के इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक और शिकायत नहीं है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो ना तो गारंटी है आप अच्छा परसेंटेज उठा सकते हो केमिस्ट्री का, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगातार पूछा हुआ, कई सालों से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। जी हाँ दोस्तों, में कोई शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं है, इन सब क्वेश्चन को जरूर रख लेना है। मतलब ये है मेरा कहना है कि इन सब क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ो ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर लिखा है राउल्ट के नियम। ठीक है भाई, दूसरा नंबर भी लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम, सीएम राउल्ट के नियम किसे कहते हैं, सीमाएं। देखिए ध्यान से देना है, ध्यान ये देना है कि पूरा लिखना है, राउल्ट के नियम किसे कहते हैं तथा इनकी सीमाएँ भी लिखी। जब दोनों लिखते हो ना तब आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, नहीं तो नंबर नहीं दिया जाएगा, ये गारंटी है। ठीक, ये लिए पूरा लिखना है कि राउल्ट के नियम लिखना है और सीमाएँ लिखना है। और सबसे बड़ी बात क्या, किसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो मेरे ही चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाकर मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक मेरे भाई, आप सुन सकते हो 2015, 16, 18, 19, 22, 23 तक आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बनाएगा, हेनरी के नियम क्या है, हेनरी के नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, तो इसको भी तय करना है। चौथा नंबर क्या है, पराशर दाब 2015 में आया है, 2018 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, कि पराशर दाब किसे कहते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। पांचवा नंबर क्या है, पराशर दाब तथा विषण में अंतर, पराशर तथा विषण में अंतर लिखिए। छठा नंबर क्या है, क्वथनांक का उन्नयन स्थान गणना कीजिए। ठीक, क्वथनांक का उन्नयन स्थान उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जितना पराशर तथा विषण में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, जो कि छठा नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए साथ बात करता हूँ, सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा कि हिमांक का अवनमन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमांक का अवनमन भाई क्वेश्चन बैंक के पहले पेज में, दूसरे पेज में आपको मिल जाएगा, इतना हिंट भी दे दिया है। 2015 में आया, 2016 में आया, 2017 में आया, 2020-22 में आया है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं कि हाँ आया है, लेकिन तब भी हम लोग लिख देते हैं ताकि बहुत बच्चे विश्वास नहीं पड़ता ना, तो विश्वास पड़ जाए, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, आठवां नंबर लिखा है, आठवां नंबर लिखा है मोलर उन्नयन स्थिरांक, नौ नंबर लिखा है मोलर उन्नयन स्थिरांक, दस नंबर लिखा है मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक, मेरे भाई सारे सारे इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्या है, सेलो का विद्युत वाहक बल, ये भी तैयार करना है मेरे भाई। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फराडे का विद्युत अपघटन के नियम, मेरे भाई रामबाण क्वेश्चन है, इसको जरूर तय करना है कि फराडे के विद्युत अपघटन के नियम किसे कहते हैं। 2016 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में आया है, गारंटी है 90% चांसेस पाए जाते हैं 2025 में, इस बार जब पेपर पड़ेगा ना बोर्ड का तो आने के चांसेस पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो फराडे के विद्युत अपघटन का नियम तैयार कर लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलर चालकता किसे कहते हैं या फिर तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, ये भी तय करना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस के नियम 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोलराउस के नियम कैसे कहते हैं, कोलराउस नियम से आप क्या समझते हैं, अनुप्रयोग सही समझाइए, अनुप्रयोग भी लिखना होगा। ठीक मेरे भाई, फिर लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहते हैं, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहते हैं, या फिर आ सकता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे कहते हैं। 2015 में आया, 2016 में आया, 2017 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 20 में आया, 23 में आया, 24 में आया, आप स्वयं देख सकते हो, बताने वाली बात नहीं है। 16 नंबर क्या बनाएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे कहते हैं, इनको लक्षण सह समझिए, क्वेश्चन आपका ये आएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे कहते हैं, इनको लक्षण भी लिखिए। 2013-15 में आया, 2017 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 23 में आया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है, अच्छे फेयर कॉपी में आपको नोट कर लेना है और साथों साथ कलमबंद याद करते चलना है। आंसर कहाँ मिलेगा, प्ले लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो मिलते रहेगी शाम 6 बजे, है ना, आंसर सहित वीडियो। क्वेश्चन क्या लिखा है, नन्ना समीकरण कैसे कहते हैं, फिर लिखा है 18 नंबर सेल नियतांक कैसे कहते हैं, 19 नंबर क्या है अभिक्रिया का वेग या दर कैसे कहते हैं, फिर लिखे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे कहते हैं, 21 नंबर क्या है आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए, आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए, या फिर डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, ये सब अंतर वाले क्वेश्चन को जरूर तय करना है ना, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नंबर। चलिए 21 नंबर कंप्लीट, अब बात ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के
है ना, वेग पर दाब सांद्रता ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वाला क्वेश्चन। ठीक, फिर उसके जस्ट बाद क्या है, 23 नंबर सोनिकोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक। मेरे भाई राम बाण क्वेश्चन है, सोनिकोट की अभिक्रिया वेग स्थिरांक का व्यंजक, इनको जरूर तय करना, बाकी चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ठीक, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, इसको भी तय करना है। 25 नंबर क्या है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए। ठीक, मेरा 26 नंबर क्या है, अंतः संक्रमण तत्व से लक्षण लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करके रेडी कर लेना है। ठीक है भाई, चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है लेंथोनाइड कामा लेंथेनॉइड फिर अंकुचन। ठीक, 2015 में 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 लगातार पूछा क्वेश्चन लेंथेनाइड अभिक्रिया वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर 28 नंबर क्या है, एक्टिनाइड है ना, एक्टिनॉइड अंकुचन, ये आपका वही एमिन अभिक्रिया लेसन से है। ठीक, मतलब जो आपका सबसे कठिन लेसन है, चिंता ना करिए, इसका अलग से वीडियो आने वाली है, जस्ट बस एक दो दिन रुक जाओ। ठीक, लेकिन धैर्य रखिए बस थोड़ा सा, है ना, बाकी सब क्वेश्चन तैयार करते रहिए, इनको नोट कर लीजिए, फिर कभी हाँ हमें लगाना है, हमें पढ़ना है। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्साह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, संकुलन यौगिक किसे कहते हैं, संकर यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है भाई, फिर 30 नंबर का है बर्ना सिद्धांत, ये छुपा हुआ रुस्तम क्वेश्चन है, ये जैसे जिस प्रकार से ब्राउनी का इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से बर्ना सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल तैयार कर लें मेरे भाई। फिर क्या लिखा है, 31 नंबर लिखा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 31 नंबर तो आप तक 31 नंबर तक मैंने बता दिया, अभी बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, उत्साह संयोजक संख्या कैसे कहते हैं, उत्साह संयोजक से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, फिर क्या लिखा है, 33 नंबर हेलो एल्केन फिर हेलो एल्केन फिर बनाने की विधि, हेलो एल्केन या हेलो एल्केन बनाने की विधि, जो 17 में 18 में 19 में 20 में 22 में 23 में। ठीक भाई, 34 नंबर क्या है, क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, 17 में 18 में 20 में 22 में 23 में। ठीक, 35 नंबर क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मेरे भाई जो क्वेश्चन आज मैं आपको बता रहा हूँ इनको सबको नोट कर लेना है, अभी और है, बिल्कुल भगाइए ना वीडियो। ठीक, नोट कर लेना है क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड एग्जाम के तहत आपका जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए, 2015 में 2017 में 2018 में 2019 में 2020 में 2022 में। एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए। ठीक, 37 नंबर क्या है, प्राथमिक कवन द्वितीय कवन तृतीयक एल्कोहल, 2015 में 2016 में 2017 में 2018 में 2019 में 2022 में 2023 में 2024 में। पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में गूंजे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर 38 नंबर क्या है, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, एथिल एल्कोहल किसे कहते हैं, एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, गुड़ सहित बताइए, 2016 में 2017 में 2018 में 2019 में 2022 में 2023 में 2024 में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक मेरे भाई, समझिए ना। 39 नंबर क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुड़ उपयोग, 2015 में 2017 में 2018 में 2020 में 2022 में 2023 में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, 40 नंबर क्या मेरे भाई, कि फिनाल फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिलहाल फिनाल बनाने के फिलहाल नहीं फिनाल सॉरी ठीक फिनाल बनाने की विधि है ना, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो मन चाहते रख लेना। ठीक भाई, चलिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन नोट कर लो, कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, कौन कब टपक पड़े कुछ पता नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि औद्योगिक विधि द्वारा। ठीक, एसिटिक अम्ल किसे क्या है, किसे कहते हैं, बनाने की प्रयोगशाला विधि अच्छे से आना चाहिए ये भी। ठीक, सिम टप क्रिया भी इंपॉर्टेंट। ठीक भाई, कीटोन बनाने की विधि, फिर क्या लिखा है, 44 नंबर कार्बोहाइड्रेट अम्ल किसे कहते हैं, ठीक, बनाने की विधि, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप स्वयं समझ सकते हो कि सही से आपको दिख ही रहा होगा यार कि कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा यार, सब आए हुए क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ने अच्छा तो आप देख करके ही समझ गए होंगे कि हाँ ये सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इनको सबको एक क्वेश्चन फिर कॉपी में आपको नोट कर लेना है, आपको क्वेश्चन आंसर इसका ढूंढ रहा है। अब आंसर कहाँ मिलेगा, मैंने लिंक लगा रखा है, लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आपको प्ले लिस्ट से चेक कर लेना। ठीक, प्ले लिस्ट पर जाओ, अच्छे से मिल जाएगा, उस पर लिखा होगा क्लास 12 न्यू बैच, वहीं से मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन लिखा, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा, टैलिन अभिक्रमक फेलिंग बिलियन, 2014, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024 तक आया हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, फिर 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एसीटेल्डिहाइड बनाने की विधि। ठीक मेरे भाई, 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक ठीक मेरे भाई, फिर क्या लिखा है कि 50 नंबर क्या है, एमिन अभिक्रिया, एमिन काम प्राथमिक काम द्वितीय काम तृतीयक, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है ना मेरे भाई, अब बात करते हैं 51 नंबर। देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, बाकी जो हैं तो वो आपके किताब में लिखा रहने दो। ठीक, इन सब क्वेश्चन को पहले तैयार कर लो, अभी भी टाइम है, बहुत समय यार भी तैयार कर सकते हो। ठीक, कहते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक एमिन बनाने की विधि, प्राथमिक एमिन बनाने की विधि, 2015 में 2018 में 2019 में 2022 में 2023 में 2024 में, प्राथमिक एमिन बनाने की विधि। ठीक, 52 नंबर क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, गुण उपयोग लिखिए। ठीक, फिर 53 नंबर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रकार लिखिए, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं, सबसे
सबसे लास्ट लेसन का है केमिस्ट्री के, ठीक। जैव अणु लेसन से सबसे लास्ट लेसन से इसको तय करना है। 54 नंबर का हमारा ग्लूकोज बनाने की विधि संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज बनाने की विधि संरचना सूत्र मेरे भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना ये मान लो यार कि इसको तय कर लो, मेरा कहना मान लो मेरे भाई इसको जरूर तय कर लो। मैं तीन बार बोलूँगा, मेरा कहना मान लो, मेरा कहना मान लो, मेरा कहना मान लो, ग्लूकोज बनाने की प्रयोगशाला संरचना सूत्र जो है ये लगातार पूछा जाता है। मेरे भी जब एग्जाम देने गए थे तब भी आया था ये, अभी जस्ट अगले साल ही आया, उसके पहले एक साल और आया। अभी एक बच्चों से मैं पढ़ा रहा था वहाँ देखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानो या न मानो, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है। 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, इस साल भी आएगा, लिख दूंगा पन्ने में, ठीक, स्टाम्प पेपर में, कि गारंटी है ये आएगा। ग्लूकोज का संरचना सूत्र तय कर लेना मेरा, क्योंकि लास्ट लेसन से एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो भी 5 नंबर का यही है। बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना लिखी है प्राथमिक व द्वितीयक संरचना, ठीक, ये भी लास्ट लेसन का है मेरे भाई, है ना। फिर लिखा क्या, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का व्यक्तिकरण कीजिए, ठीक है, व्यक्तिकरण भी इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट भाई, 56 नंबर कंप्लीट। अब बात करते हैं 57 नंबर कहा है कि न्यूक्लिक अम्ल कार से समझाइए, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, पूरा कार्य विधि कीजिए, ठीक है भाई। फिर लिखा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, ये मेरा जरूरी क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए वाला जो अंतर है ना, ये इसको जरूर तय करना है, बाकी तय करते रहिए, लेकिन अंतर वाला एक क्वेश्चन तय करना, ठीक है। अगर आप बायो ले तो और अच्छी बात, डीएनए तथा आरएनए तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। 61 नंबर क्या है, लिपिड क्या है, परिभाषा तथा कार्य विधि लिखिए, ठीक, लिपिड किसे कहते हैं, सबसे लास्ट लेसन का है केमिस्ट्री के, ठीक है भाई। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज व फैक्टोज की संरचना लिखिए, ग्लूकोज किसे कहते हैं, फैक्टोज की संरचना तो समझाइए, ठीक, लास्ट सेशन का है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत लिखिए, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23, ठीक। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत लिखिए मेरे भाई, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए क्या है, सर डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो ये सारे सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको नोट कर लेना है, बाकी चिंता करो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक भाई। और आपको आंसर मैंने बता रखा है सबका, कहाँ मिलेगा वो प्ले लिस्ट से आपको मिल जाएगा, उस पर प्लेट लिखा होगा क्लास 12 न्यू बैच, ठीक। ऐसा करते हैं बेटो, देख कर समझ गए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।